और लोकसभा चुनाव की वोटिंग पूरी हो चुकी है और सबको काउंटिंग का इंतजार है, लेकिन उसके पहले ये जानकर आप खुश हो जाएंगे कि 2024 में महिला वोटर्स ने इतिहास रच दिया है। यू आर ऑल आवर वोटर्स, सो वी थैंक यू ऑल, वी सैल्यूट ऑल आवर वोटर्स। ये स्टैंडिंग ओवेशन देश की महिलाओं के लिए, ये तालियां उस आधी आबादी के लिए है जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट का रिकॉर्ड बना दिया। इस बार के चुनाव में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महिला वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने देश की महिला वोटरों को विशेष धन्यवाद अपनी पूरी टीम के साथ दिया। 312 मिलियन प्राउड वीमेन वोटर्स, दिस इज ऑल्सो द हाईएस्ट एवर इन द वर्ल्ड। इट इज लार्जर देन द 2019 इलेक्शंस, both the total and the women voters. So this we feel is the moment that we must cherish, we must celebrate, and we want to give them a standing ovation to all our voters. By this I would ask all of you to join and hand. These are, you are all our voters, so we thank you all, we salute all our voters, all our women voters who have really come and voted in this election. ये जो वोटिंग का इतिहास रचा गया है, इसमें बिहार की महिलाओं का भी योगदान है। बिहार की महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले 6.11% ज्यादा वोटिंग की है। पुरुषों ने 53.28% वोटिंग की तो महिलाओं ने 59.39% वोट डाले। पहले और आखिरी चरण को छोड़ दें तो हर फेज में बिहार की महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की। दूसरे फेज में महिलाओं ने 6.32% ज्यादा वोटिंग की। तीसरे फेज में पुरुषों और महिलाओं की वोटिंग का अंतर बढ़कर 11.63% पहुंच गया। चौथे चरण में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 8.08% वोटिंग की। पांचवें चरण में पुरुष और महिलाओं की वोटिंग का अंतर 9.16% रहा। तो छठे चरण में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 11% ज्यादा वोट की। हालांकि सातवें और आखिरी चरण में महिलाओं की वोटिंग पुरुषों के मुकाबले 1.67% कम रही, लेकिन सात चरण मिलाकर बिहार की महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले 6.11% वोटिंग की, जो मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।